सो लेट अस स्टार्ट विद आर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज़ अनदर फिजिकल क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. सो वट इज़ एक्सेलरेशन? दिस हेडिंग एक्सप्लेन्स वट एक्सेलरेशन मीन्स. सी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का चेंज, अगर आप रेट, रेट मीन्स फिजिक्स में रेट का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो तो फॉर दैट वी कैन यूज़ वर्ड रेट. तो वेलोसिटी के चेंज को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दो देन यू विल गेट अनदर क्वांटिटी, अनदर फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ टर्म्ड एज एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए. ओवर दिस वी पुट वेक्टर साइन. वाई दिस वेक्टर साइन वी हैव टू राइट? बिकॉज एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ वाई दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. सो दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ अकॉर्डिंग टू द हेडिंग, वट डज दिस दिस सिग्निफाइज? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. सो हेयर आई हैव रिटन द फॉर्मूला फॉर द सेम चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज एक्चुअली रेट. रेट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैन बी रिटन एज दिस. सो वी माइनस यू, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. फ्रॉम यू टू वी द बॉडी हैज़ एक्वायर्ड सम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन. एंड टी इज फॉर रेट. सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. दिस इज चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड दिस टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वर्ड रेट. दिस रेट वर्ड एक्चुअली हेयर मीन्स टाइम. सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन. इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. Or you can also say as, you can also define as, acceleration is defined as rate of change of velocity. So, to understand this more, we are going to discuss 2-3 examples, case 1, case 2 and case 3, where we are going to summarize that acceleration can be positive, negative and zero for these kind of situations. This I am going to discuss in my next video. This was just introduction lecture. So negative acceleration is called as, you just need to remember the terms that I am going to use in my upcoming video. That's why I am introducing the topic for the time being. So negative acceleration is also known as deceleration. Decreasing acceleration is deceleration, decreasing acceleration, or retardation also. Now come to unit of acceleration. Since it depends on velocity and time, and unit of velocity is meter per second and unit of time is second, so unit of acceleration will be meter per second square. Students, I have told you number of times ki if you know the formula, then you can also derive units for that physical quantity. You just need to put the units of the physical quantities involved in a particular formula, and hence you can arrive for the unit of the base of the physical quantity that we are talking about. So that's it for this video. In next video I'm going to discuss these three cases, case 1, case 2 and case 3, and let's